राजनीतिक गलियारों से जो खबरें आ रही हैं कि जदयू के करीब करीब 17 विधायक जो हैं वो जदयू के जो तमाम नेता बड़े नेता हैं उनके टच से बाहर हैं, वैसी खबरें राजद से भी आ रही हैं और भाजपा में भी सेंध लगाने की कहीं कहीं कोशिश हो रही है। राजद जो है उसके जो दिग्गज नेता हैं वो चुपचाप खामोशी से सारा तमाशा कह लीजिए एक तरह से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हर कुछ पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा 12 तारीख को खुद तेजस्वी यादव उठाएंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिमराज, जदयू के प्रवक्ता हैं। हिमराज जी कहाँ हैं आपके 17 विधायक, रडार पर नहीं है? सब लोग अपने अपने स्थान पर हैं और समय आने पर सब लोग उपस्थित रहेंगे और अपनी अपनी भूमिका में मौजूद रहेंगे। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सभी लोग मौजूद रहेंगे। हमारे एनडीए गठबंधन के 128 विधायक, ये लोग जो खेला करने की बात कर रहे हैं तो ये हमारे 128 विधायक मेला करेंगे। आपके पार्टी के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने कहा था कि आरजेडी जो है ठेकेदारों का मदद ले रही है और व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा है उन्हें। आज 17 विधायक आपके अनुपस्थित थे, क्या वो ठेकेदार लोगों ने उन्हें खरीद लिया क्या? कौन 17 विधायक गायब हैं और किसके फोन पर गायब हैं, किस नंबर से फोन आया ये भी तो बता दे। ये तो आप ही के मंत्री कह रहे हैं कि ठेकेदार लोग का कॉल आ रहा है। ठेकेदार लोग तो कॉल करेंगे लेकिन उनके कॉल का क्या प्रभाव होगा, कितना असर होगा ये उनको पता चल गया। अगर जो मनसा पाले हुए थे, अगर इस तरह की मनसा उनके अंदर थी तो उनके मंसूबों पर तो पानी फिर गया। तो पार्टी आज बैठक में क्यों नहीं उपस्थित हो पाए 17 विधायक? कहाँ बैठक थी, हमें तो इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। चलिए, उस बैठक में नहीं उपस्थित हो पाए लेकिन कल जो विजय चौधरी के घर में बैठक होने वाली है, यही है ना कि आप अपने विधायकों का जो स्ट्रेंथ है, जो नंबर है, वो गिन लेना चाहते हैं? देखिए, कहीं आप किसी भी दल की बात कीजिए, कोई भी दल आपस में उनके विधायक सांसद नेता सब एक साथ बैठकर मंत्रणा अगर करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसका कोई अलग से मायने लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी हम सत्ताधारी दल हैं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे एनडीए गठबंधन का बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे 128 विधायक एकजुट हैं और फ्लोर टेस्ट में वो साबित भी होगा। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, क्योंकि सम्राट चौधरी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी? देखिए, ऑल इज वेल है, अभी आपके सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, अभी 25 में समय है, अभी सामने जो 24 की लड़ाई है, इस लड़ाई की बात कीजिए, इस लड़ाई में एनडीए एकजुट है और इसमें एक भी सीट विरोधियों को नहीं मिलने। तो सम्राट चौधरी का ये बयान को किस रूप में देख रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी? वो ये भी कह सकते थे कि एनडीए की सरकार बनेगी लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी। हर आदमी चाहता है, हर नेता चाहता है कि उसके पार्टी के शीर्षस्थ नेता आगे बढ़े, उसकी पार्टी की औकात बढ़े, उसके पार्टी का जो है हैसियत बढ़े। इसको अलग से कोई माने मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, एनडीए गठबंधन एकजुट है और एकजुट रहेगा। लेकिन फिर आपके मंत्री श्रवण कुमार उस पर कहते हैं कि भाई उन्हीं की तो सरकार ही है, यानी कि सरेंडर कर चुके हैं, सरकार तो भाजपा की है, हम बीजेपी केंद्र चलने वाले। केंद्र में तो बीजेपी के नेतृत्व में ही सरकार चल रही बात हो रही है हिमराज जी। और बिहार में भी एनडीए में जो है एक मजबूत घटक दल है भारतीय जनता पार्टी, हम उसके उसे कैसे इनकार करके चल सकते हैं? श्रवण कुमार जदयू के नेता, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए का जो एक बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, सब लोग साथ में मिलकर सरकार चला रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार इस बार एनडीए के साथ गए तो उनसे ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा वाला हाल हो गया क्या? ऐसी कोई नई बात नहीं है, हमेशा से एनडीए गठबंधन के पार्टी रहे नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी काल से ही, और बीच में कुछ दिनों के लिए कुछ मुद्दों के आधार पर जो समझौता हुआ था आरजेडी के साथ महागठबंधन के साथ, कोशिश किया गया
कि महागठबंधन के साथ सात निश्चय पार्ट टू के आधार पर अच्छा काम कोई अंजाम दिया जाए, लेकिन आरजेडी के लोगों को ये मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से ये गठबंधन भी टूटा, पुनः एनडीए में वापस आ। नीतीश कुमार कैसे झेलेंगे ऐसे दो मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, जिनके साथ तमाम सदन में उनकी बहस हुई है, गर्मा गर्मी चली है, यानी कि पिछले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो थे रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, उनको हल्के में लेते थे नीतीश कुमार, इस बार वजन बड़ा दोनों कंधे पे भारी पड़ा है। हिमराज जी देखिए, नीतीश कुमार जी संविधान को मानने वाले हैं और पूरा देश संविधान को मानता है, और संविधान के नियम कायदे कानून के अंतर्गत ही उसी के दायरे में रह के सबको काम करना पड़ता है, और बिहार के विकास के लिए, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के उत्थान के लिए एनडीए गठबंधन संकल्पित है और मिलजुल करके अच्छा काम करेंगे, यही आशा और विश्वास है। क्या अब क्या करें, एंडिंग कर दीजिए, एंडिंग सबका होगा ना, आप अपना कीजिए ना जी, कर दें। तो ये थे जदयू के प्रदेश के प्रवक्ता हिमराज, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कंधे इतने मजबूत तो निश्चित तौर पर है, और नीतीश कुमार जो है संविधान को मान के चलते हैं। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा नीतीश कुमार के कंधे कितने मजबूत हैं कि वो अपने दो जो ये उप मुख्यमंत्री हैं जिनकी हमेशा बहस चलते रही पिछले कार्यकाल में, वजन उठा पाते हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।